ये जो चुनाव हो रहा है मोदी जी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, और वो विधानसभा का नहीं लड़ रहे हैं, वो लोकसभा की तैयारी कर रहे हैं। जो स्थिति राजस्थान में है वही मध्य प्रदेश में है बीजेपी के लिए, वही छत्तीसगढ़ में है, वही गुजरात में है। राजस्थान में वसुंधरा राजे जी से के प्रभाव से बीजेपी को बाहर आना बहुत काफी समय से ओवर ड्यू हो गया था। आप देखेंगे कि 2018 में भी उनको एक महत्वपूर्ण समिति में स्वराज संकल्प यात्रा निकली थी, उसमें मेरे ख्याल से वो नहीं थी। एक कंफर्म कर सकते हैं अपने, मैं सही कह रहा हूँ गलत कह रहा हूँ। मुद्दा यह है कि केंद्रीय नेतृत्व में जितने राजस्थान के लोग हैं, चाहे मेघवाल हो, चाहे गजेंद्र सिंह हो, या राज्यवर्धन राठौर हो, वो सारे के सारे वसुंधरा जी के खिलाफ हैं। पहली चीज तो यह है, केंद्र सरकार में जो लोग राजस्थान को लेकर निर्णय ले रहे हैं उनमें इन लोगों की महत्वपूर्ण भूमिका है, इन तीनों की। आप जो समितियां बनी उनमें भी दूसरा ये कि इन समितियों में वसुंधरा जी के लोगों को भी रखा गया है, उन लोगों को रखा गया है जिनकी लॉयल्टी जो है डाउटफुल नहीं है, मतलब 100% डाउटफुल नहीं है, जो वसुंधरा जी के खेमे के नहीं माने जाते हैं। एक जो डर है वो ये है कि अगर गहलोत साहब को समर्थन पूरा नहीं मिलता है, बहुमत नहीं मिलता है, तो वसुंधरा राजे के लोग के उनकी सरकार बनवा सकते हैं। ये एक फियर है जो चल रहा है कि जैसा कि गहलोत साहब ने पहले भी कहा था कि मेरी सरकार को बचाने में इनकी महत्वपूर्ण भूमिका रही थी, तो उनकी लॉयल्टी को तो डाउटफुल उन्होंने तभी कर दिया था, और उनके एक आदमी ने, उनके जो एक प्रमुख आदमी है, उन्होंने तो खुलेआम कहा भी था कि सरकार को बचाना जरूरी है वसुंधरा जी। देखिए, ये भारतीय जनता रही है या मोदी जी की, ये विधानसभा तो हारने वाले हैं क्योंकि उसके कई कारण हैं, और जो बता रहे हैं कि वसुंधरा जी का बहुत प्रभाव है, वो मेरी जानकारी तो इतनी नहीं है, पर मैं ये मानता हूं कि कास्ट कॉम्बिनेशंस राजस्थान के पूरे बदल गए हैं, और वहाँ की जो पॉलिटिक्स है वो ओबीसी ओरिएंटेड ज्यादा है। गहलोत साहब के प्रति एक ओवरऑल समर्थन बढ़ गया है या काफी समर्थन है, क्योंकि मैं खुद मेवाड़ से आता हूँ और मेरा वहाँ संपर्क है, मेवाड़ में मेरे सारे रिश्तेदार भी हैं, वहाँ जानता भी हूँ चीजों को, तो वहां की जानकारी बता रहा हूँ मैं कि वो मारवाड़ के हैं, वो अपने गहलोत साहब जोधपुर रीजन के हैं, तो मेवाड़ में भी उनका काफी इन्फ्लुएंस है। तो इसलिए मेरा ऐसा मानना है कि ये गहलोत की एक दो चीजें कॉमन है गहलोत साहब में और वसुंधरा जी में, कि दोनों को उनके हाईकमान का समर्थन नहीं है। गहलोत के पीछे भी केंद्रीय नेतृत्व तो नहीं है, वो अपनी खुद की ताकत पर चीजें डिक्टेट कर रहे हैं। वो अगर हाईकमान की बात मानते होते तो वो सचिन पायलट को कभी का एकोमोडेट कर लेते। गहलोत ने अपने खुद के परिश्रम से या खुद प्रयासों से एक नई किस्म की इमेज खड़ी कर ली है राजस्थान में, और बीजेपी में इस समय बहुत ज्यादा अंतर विरोध है और लड़ाई है, जैसा कि अनिल शर्मा जी भी बता रहे हैं। बीजेपी के पास कोई नेता ही नहीं है, देखिए राजस्थान में कोई ऐसा नहीं है, मतलब वसुंधरा जी के प्रति सबका समर्थन हो ऐसा नहीं है, पर बीजेपी के पास कोई नेता नहीं है। मैं उस बात पर अभी यहाँ डिस्कशन में नहीं आना चाहता कि बीजेपी के पास देश में भी नहीं है और छत्तीसगढ़ में भी नहीं है, ये एक अलग डिस्कशन का विषय है, पर अपनी चूंकि चर्चा अभी राजस्थान पे है, तो
इसलिए मैं बता रहा हूं कि गहलोत को समर्थन नहीं है, फिर भी वो अपनी ताकत पर हैं, पर वसुंधरा जी को समर्थन नहीं है, पर उनकी कोई ताकत वहां बची नहीं है, क्योंकि अब पूरी नजर इस पर है कि किन किन के टिकट बीजेपी काट सकती है। बीजेपी के वसुंधरा जी के जितने समर्थक हैं, उनमें से जितने लोगों को जो जीतने वाले हैं उनको टिकट देकर अपनी तरफ कर लिया जाए। वसुंधरा जी का चैप्टर खत्म हो गया है राजन जी राजस्थान की पॉलिटिक्स में, और जो सबसे बड़ा सचिन पायलट का आरोप था वो तो माइनिंग घोटाले की जांच को लेकर था, जो बहुत बड़ा घोटाला है, 22,000 करोड़ का, जिसका जिक्र भी इन्होंने किया, आपके विजय विद्रोही जी ने किया, पर उसके अलावा भी बहुत सारे हैं। और सचिन पायलट का सबसे ज्यादा जोर जो रहा है गहलोत जी के खिलाफ कि आप भ्रष्टाचार की बात करते हैं हटाने की, तो वो आप जांच क्यों नहीं करते हैं, जांच क्यों नहीं कराते हैं? तो ये अब इसमें देखिए, एक जो नया फैक्टर वसुंधरा जी को बाहर करने में है, वो मदद की है अमित मालवीय ने, जो सचिन पायलट के पिताजी के खिलाफ, राजेश पायलट जी के खिलाफ जो उन्होंने ट्वीट कर दिया मिजोरम पर बमबारी को लेकर, वो कलमाड़ी साहब के साथ हवाई जहाज उड़ाते समय, उसने क्या किया है कि पूरे जो एक इमोशनल कनेक्ट गहलोत साहब और सचिन पायलट के बीच में एस्टेब्लिश कर दिया है। ये पहली बार हुआ है गहलोत ने इतना खुलकर राजेश पायलट जी के पक्ष में या सचिन पायलट जी के बारे में इतनी पॉजिटिव बातें की। जो काम कांग्रेस का आला कमान नहीं कर सका, वो अमित मालवीय ने करके दिखाया बीजेपी के, मतलब एक स्ट्रेटेजिक जिसको कहना चाहिए भूल हो गई। मेरा है कि अब वसुंधरा जी की वहां जरूरत बची नहीं है, और मोदी जी के सामने विधानसभा इम्पोर्टेंट नहीं है, 25 सीटें जो है लोकसभा की वो इम्पोर्टेंट है। आप पाएंगे कि बहुत सारे जो टिकट तय होंगे उसमें, जैसे अभी छत्तीसगढ़ में, आपने छत्तीसगढ़ का भूपेश बघेल जी के खिलाफ वहां की जो सीट है उनके भतीजे सांसद को दे दी गई है, उनको लड़वा रहे हैं। आप पाएंगे कि राजस्थान में जो 25 लोग हैं सांसद हैं, उनमें से कुछ पावरफुल लोगों को विधानसभा लड़वाई जा सकती है, और वो इन्फ्लुएंस करेंगे लोकसभा को, वो लोग। तो इसलिए ये जो बात चलती है कि वो जो जिस जात को या कास्ट कॉम्बिनेशन को वसुंधरा करती है, वो अब एग्जिस्ट ही नहीं करता राजस्थान में। मतलब किसी जमाने में गुज्जर, वो वहाँ की जो पॉपुलेशन है 9% के करीब हैं, पहले 5 थे, अब 9 हो गए हैं, वो डोमिनेंट थे, या गुज्जर थे, मीणा थे। अब ये हो गया है कि पूरा का पूरा जो कॉम्बिनेशन है वो, मतलब आप बताइए कि ये तो माली समाज के हैं जो गहलोत साहब है, पर माली समाज की कोई का कोई उस तरह से इन्फ्लुएंस ही नहीं है वहां। राजस्थान में शायद 2-3% होंगे, वो भी बिखरे हुए हैं पूरे राज्य में, कहीं कॉन्सेंट्रेटेड नहीं है। ये जो बात बार बार चलती है कि वहां एक बड़ा कम्युनिटी का सपोर्ट है राजस्थान में वसुंधरा जी को, वो अब जो सत्ता की राजनीति है उसमें सारा डाइल्यूट हो चुका है, खत्म हो चुका है। अब तो ये है कि जो जीता वही सिकंदर। तो आप बताइए कि सीपी जोशी जो है प्रदेश, वो इस समय इम्पोर्टेंट हैं, जो कि वो किस कास्ट फैक्टर में आते हैं, अगर आप देखें कि ब्राह्मण कितने हैं वहाँ, वो जमाना चला गया जब
कांग्रेस में गिरजा व्यास, हरदेव जोशी, ये तमाम लोग रूल किया करते थे। मेरा ऐसा मानना है, मैं गलत भी हो सकता हूँ, कि एक समिति अभी बनना बाकी है। वो जो राज्य में चुनाव प्रचार प्रसार समिति, अब जो पता किसने कहा, विद्रोही जी ने कहा है, किसने कहा कि वो उनको मौखिक रूप से ऐसा कह दिया गया है वगैरह वगैरह। वसुंधरा जी का मामला खत्म हो गया है, वो दिल्ली में है, पूरी तरह से लगी हुई है अभी अपने को एडजस्ट करने में, अपनी बात कहने को, और कोई उनकी सुनवाई कर नहीं रहा है। और जो समितियों बैठक जो हो रही है राजस्थान में, उसमें वो प्रेजेंट नहीं है। उनके वो एक एक करके पूरे के पूरे इस समय टिकट नहीं कट जाए उस स्थिति में पहुंच गए हैं। तो इसलिए मेरा ऐसा मानना है कि राजस्थान की पॉलिटिक्स अभी विधानसभा के मोड में नहीं है, वो लोकसभा के मोड में है।